स्टूडेंट्स, वी आर ऑन द टॉपिक सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पार्ट्स ऑफ अ सेल। एंड बिफोर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पार्ट्स ऑफ द सेल, आई वॉन्ट टू शो द फिगर ऑफ अ सेल। सो लेट अस सी द फिगर ऑफ द सेल। देयर इज अ एनिमल सेल। This is the structure of animal cell, and here is outer lining of the cell, that is called cell membrane, and between this there is cytoplasm, it is a liquid part, and there is a huge structure, this is called nucleus, a small structure, mitochondria. And it is an empty part, and it's very small, that is called vacuole. And in nucleus there are many parts also. So we first what we will study, we will study it later. So now come to the first part of the parts of the cells. So हमने आपको इसलिए दिखा दिया ताकि आपको थोड़ा बहुत मालूम रहे। So parts of the cells. ओके, सेल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सम ऑफ द पार्ट्स आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल्स। सभी प्रकार के सेल्स में कुछ पार्ट बिल्कुल कॉमन होते हैं, चाहे वो प्लांट सेल होता है और चाहे एनिमल सेल, वो सभी में प्रेजेंट होता है। बट सर्टेन पार्ट्स आर फाउंड इन ओनली प्लांट सेल्स। लेकिन जो प्लांट सेल्स होते हैं उसमें कुछ पार्ट्स स्पेशल होते हैं, दे आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, वो एनिमल सेल्स में नहीं होता है। द इम्पॉर्टेंट बेसिक पार्ट ऑफ ऑल सेल्स आर, अब जो जितने भी सेल्स हैं उनका जो इम्पॉर्टेंट बेसिक पार्ट्स होता है तो वो है सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑल दीज पार्ट्स आर सेम इन ऑल सेल्स, सभी सेल्स में ये सब चीज़ें होती हैं। बट प्लांट सेल्स में और क्या स्पेशल चीज़ें होती हैं, वो होता है सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट एंड लार्ज वैकुले। तो अभी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। तो एवरी सेल इज कवर्ड विद अ थिन शीट ऑफ स्किन विच इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। जितनी भी सेल्स होती हैं वो सब की सब एक पतली कवरिंग, स्किन की एक पतली कवर होती है उसके ऊपर, जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन्स। अब इस सेल मेम्ब्रेन्स के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होते हैं, और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज इनक्लोजेस द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है, जो जितना भी सेल के अंदर का लिविंग पार्ट होता है वो सबका सब सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। सारे लिविंग पार्ट को मिला के हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है कि जितने भी सेल के अंदर के ये प्रोटोप्लाज्म होते हैं, है ना, उनको सुरक्षित करता है, उनको सेल को एक शेप देता है, उनको एक आकार देता है। सेल मेम्ब्रेन्स में छोटे छोटे पोर्स यानी छिद्र होते हैं। सेल मेम्ब्रेन्स कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनटू द सेल एंड आउट ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन्स का एक बहुत महत्वपूर्ण काम है कि कोई भी चीज़ सेल के बाहर आ रही है, भीतर जा रही है, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। द डिजॉल्व सब्सटेंस सच एज फूड, जिसको ग्लूकोज बोलते हैं, फूड तो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, एंड ऑक्सीजन कैन इंटर इनटू द सेल्स, वेयर एज द वेस्ट प्रोडक्ट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड कैन गो आउट फ्रॉम द सेल्स थ्रू द पोर्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन्स। अब जो ये सेल मेम्ब्रेन्स के पोल होते हैं उनसे क्या होता है, ये जो उनका फूड होता है
ऑक्सीजन होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन वो अंदर जाता है, और जो इनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स, वो जो होता है सेल मेम्ब्रेन्स के पोर्स से बाहर आते हैं। सेल मेम्ब्रेन सेपरेट द सेल फ्रॉम वन एन अदर आल्सो फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। तो उनके चारों तरफ के मीडियम से, यानी एक दूसरे से, ये सेल मेम्ब्रेन से एक दूसरे सेल को अलग भी करते हैं। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन इज द लिविंग पार्ट ऑफ अ सेल। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, कि सेल का लिविंग पार्ट होता है ना। उस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इज अ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल। साइटोप्लाज्म क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जेली की तरह का मटेरियल होता है, विच फिल्स द सेल बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है ये साइटोप्लाज्म, होता क्या है कि सेल मेम्ब्रेन्स और न्यूक्लियस के बीच में भरा होता है। साइटोप्लाज्म इज अ काइंड ऑफ केमिकल फैक्ट्री ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म को हम कह सकते हैं कि सेल की केमिकल फैक्ट्री है। ओके, सब्सटेंसेस आर बिल्ड फ्रॉम द मटेरियल्स टेकन इनटू द सेल्स एंड एनर्जी इज रिलीज्ड एंड स्टोर्स। कह रहे हैं कि यहाँ पे नए सब्सटेंसेस बनते हैं, जो कि सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और वहाँ पे स्टोर भी होती है वो एनर्जी। मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन विच कीप द सेल अलाइव टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। और जो ढेर सारी केमिकल रिएक्शंस ज़्यादातर होती हैं जिसकी वजह से ये सेल जिंदा रहता है, लिविंग रहता है, वो सब की सब साइटोप्लाज्म में होती हैं। द वेरियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनल्स। और साइटोप्लाज्म में जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जो भी संरचनाएं होती हैं, उसको हम लोग ऑर्गेनल्स बोलते हैं। द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनल इन द साइटोप्लाज्म इज न्यूक्लियस। और इस तरह से जो उसमें सबसे मुख्य ऑर्गेनल है वो न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के साथ साथ साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, ये सब होते हैं। द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल आल्सो कॉन्टेन क्लोरोप्लास्ट। अब प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस टेकन टुगेदर मेकअप द प्रोटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को एक साथ मिला के हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। दैट्स ऑल।